Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखाज किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं ठीक हो। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। चलिए आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ रमजान स्पेशल बोलिए, ईद स्पेशल बोलिए, सीख मलाई चिकन सीख, बढ़िया सी मजेदार सी और एकदम सॉफ्ट। अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट करें। सो चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आपकी। चलिए ये है आधा किलो चिकन का कीमा। वैसे मैंने थाई पोर्शन का करवाया, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन का कर ले सकते हैं। धो के नितार के 10-15 मिनट मैंने साइड पर रख दिया था छन्नी के ऊपर। अब हल्का हल्का है ना ये जो कीमा है, इसे हल्का निचोड़ लें हाथों की मदद से, स्क्वीज कर लें और इसको ये जो मिक्सर जार है ना उसके अंदर डालते जाएं। बहुत ज़्यादा निचोड़िएगा, मतलब एकदम घसमन निकाल दीजिएगा। हल्का हल्का अगर आपको लगे कि पानी जैसा रह गया तो उसको निचोड़ लीजिए और इसमें मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। कीमे को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दीजिए। एक छोटा सा मिक्सर जार लीजिए, उसमें डाल दीजिए धोए हुए 12-15 पुदीने के पत्ते, 2 टेबलस्पून जितना धोया हुआ कोतमीर यानी कि हरा धनिया, ये है तकरीबन 7-8 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, मैं 3 हरी मिर्चियाँ ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये बादाम है 10, मैंने इसके छील निकाल लिए। अब इसे बिना पानी डाले इस तरीके से छोटे जार में पीस लीजिए। ये देखिए एकदम बारीक हो गए ना, इसे साइड पर रख दीजिए और आप कीमे वाला जार ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, या नमक अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, 2 छोटी चाय के चम्मच भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, 1 छोटी चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चाय का चम्मच चाट मसाला भी डाल दीजिए। अब नाम है मलाई चिकन सीख तो मलाई तो डालनी ही पड़ेगी, तो हम मलाई डाल देते हैं। यहाँ 3 टेबलस्पून मैंने मलाई डाली है बाजार की, आप चाहे तो घर की भी दूध के ऊपर की मलाई ले सकते हैं। उसे आप पहले बिना दूध के लीजिएगा और अच्छे से फेंट लीजिएगा। 1/2 छोटी चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। ये जो हमने दरदरा पीस कर जो बनाकर रखा है, कोतमीर पुदीना हरी मिर्ची और सब डालकर, ये सारा डाल दीजिए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जार में से सारा निकाल लीजिएगा। 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून मक्खन बटर डाल दीजिए, या फिर तेल या घी भी डाल सकते हैं मक्खन ना हो तो। 2 ब्रेड को इस तरीके से रफली चॉप करके डाल दीजिए हाथों की मदद से और इसे बहुत अच्छा पीस लीजिए। अच्छा, पीसने पर मुझे बीच में याद आया कि मैंने नींबू का रस तो डाला ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ और बहुत अच्छा इसे बारीक पीस लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए मिक्सर जार के अंदर बिना पानी डाले। ये देखिए एकदम बारीक मैंने पीस लिया। इसे एक बड़े से थाली में निकाल लीजिए या बर्तन में निकाल लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छे से निकालिएगा, जो भी लगा हुआ हो मिक्सर जार के अंदर वो सारा बहुत अच्छे से निकाल लीजिए। इसके ऊपर रख दीजिए एक स्टील की वाटी, गरम कोयला स्टील की वाटी के ऊपर रख दीजिए और क्विकली तेल घी या मक्खन डाल दीजिए और उससे ढक दीजिए और उसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और इसे रहने दीजिए 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने साइड पर। चलिए तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, कोयला फेंक दीजिए और एक बार मिक्स कर लीजिए मिक्सचर को चिकन के। अच्छा, जब आप मिक्स करेंगे आपको खुद ही से पता चलेगा कितना अच्छा सॉफ्ट और सिल्की टेक्सचर है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारी ये जो सीख है सॉफ्ट नहीं बनेंगी, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 1-2 टेबलस्पून है ना मक्खन या फिर असली घी का डालकर मिक्स कर फिर इस तरीके से पोर्शंस कर लीजिए, इक्वली डिवाइड कर लीजिए। मैंने 12 पोर्शंस किए हैं। हल्का हल्का मैंने तेल से हाथों को ग्रीस किया, आप चाहें तो पानी से भी ग्रीस कर सकते हैं। जब ये 12 पोर्शंस डिवाइड हो जाए तो अब मैं तो कांडी में लगा रही हूँ इसे, आप चाहें तो जो सीख होती है उसी में ही लगा सकते हैं। एक कांडी लीजिए, हल्का सा हाथों को ग्रीस कीजिए तेल या पानी से और ये पोर्शन को कांडी पर लगाइए और इस तरीके से स्प्रेड आउट करते जाइए पूरी स्टिक के ऊपर। जब स्प्रेड आउट हो जाए तो इस तरीके से निशान देते जाइए सीख का, ये देखिए उंगलियों की मदद से, और ये बन गया हमारा एक कच्चा जो सीख है वो हमारी एक बन गई है। इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारी सीख बना लीजिए। अच्छा, मैं सारी सीख 6 अभी बना रही हूँ और 6 रात को बनाऊंगी, तो मैं तो जो बाकी की 6 रहेगी उसे फ्रीज करके रख दूंगी। आप भी चाहें तो फ्रीज करके स्टोर करके रख सकते हैं, आप उसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालकर तकरीबन 1 हफ्ते तक रखकर खा सकते हैं। जब भी चाहे निकाले थॉ करें और फिर फ्राई कीजिएगा। तो चलिए ये सारी बना ली है मैंने, जैसे आप देख सकते हैं 2 प्लेट्स निकली हैं, 1 6-6 की, तो
तो एक मैं फ्रिज में रख देती हूँ और एक को अभी बना लेती हूँ। फ्राई पैन या फ्लैट तवा इस तरीके से लीजिए, नॉनस्टिक रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए और चूल्हा मीडियम कर दीजिए, अच्छा गर्म हो जाए। उसके बाद जब गर्म हो जाए मीडियम कर दे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी एट अ टाइम सारी एक साथ छो सीख लगा दीजिए, बिछा दीजिए हमारे फ्राई पैन के ऊपर। अब आधे मिनट तक उसी साइड पर रहने दीजिए, मीडियम पे चूल्हा है। और जब आधा मिनट हो जाए पीछे की साइड आपको लगे कि अच्छी बॉडी पकड़ा गई है हमारे ये सीख के अंदर, तो इसे उलट पलट करते जाएं बार बार हाथों की मदद से या तावीते की मदद से। चूल्हा उसके बाद फास्ट आंच कर दीजिएगा और चारों ओर से गोल्डन स्पॉट्स आने लगे तब तक तो समझिए ना 2-3 मिनट में गोल्डन स्पॉट्स आ जाएंगे। और बाय द टाइम 2-3 मिनट्स में गोल्डन स्पॉट्स चारों ओर से आने लगेंगे तब तक तो हमारे अंदर से चिकन गल भी जाएगी। बस जब चारों ओर से स्पॉट्स आ जाए फास्ट आंच पर तो निकाल लीजिए सारी सीख को। ज़्यादा मत पकाइएगा क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो ज़्यादा चूई हो जाती है। बस 3-4 मिनट में तो आराम से गल जाएगी हमारी सीख। अच्छा, आप चाहें तो कांडियों के साथ एसिडस भी रख सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा अपनी जो रोटी है उससे पुश मार रही हूँ ना नीचे, तो अपने आप जैसे देख सकते हैं आप निकल निकल के आ रही हैं। तो बस क्यों निकल के आ रही, क्योंकि वो सॉफ्ट इतनी है। चलिए अब मैं इस तरीके से सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज भी रखी है साइड पर, पुदीना भी है, थोड़ा सा ऊपर से कोथमीर यानी कि हरा धनिया छिड़क देती हूँ। अच्छा, जो साइड पर जिसमें हमने बनाया है, फ्राई किया है फ्राई पैन के अंदर, हल्का सा वो जो फ्राई करा हुआ मक्खन होगा वो भी सारा इसके ऊपर लगा दीजिए, ब्रश कर दीजिए इसके ऊपर, सो दैट एकदम सूखी सूखी ना लगे और बढ़िया सी फ्लेवरफुल लगे। मैं सर्व कर रही हूँ हमारी मलाई चिकन सीख कबाब को हरी कोथमीर और पुदीने की चटनी के साथ। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पहले तो दिखा देती हूँ क्या सॉफ्ट बनी है। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बढ़िया मजेदार सी। पर मैं अभी आपको खा के दिखा देती हूँ, हमेशा जो मैं करती हूँ दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, बहुत सॉफ्ट बनी है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट बनी। काफी लोगों की शिकायत ये रहती है कि अंदर से सॉफ्ट नहीं बनी। आप इस तरीके से बनाओगे ना डेफिनेटली सॉफ्ट बनेगी इंशाल्लाह। ये देखिए ना, मुझे मेहनत ही नहीं लग रही है मुझे तोड़ने में, इसका मतलब बहुत ही सॉफ्ट बनी है। मैं बिना इसके खा के देखती हूँ। मजेदार, आउटस्टैंडिंग। जरूर बनाइएगा और रमजान में भी बनाइएगा और मुझे जरूर टैग कीजिएगा, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है आपने क्या करना है, आपने ये वाली रेसिपी को लाइक करना है वीडियो को और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिए फॉरवर्ड कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो बस हाँ, फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। एंड देन एंजॉय सीख, मलाई सीख, मजेदार सीख, एकदम सॉफ्ट।